हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आपने मेरी इस वीडियो का टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। आज मैं आपके लिए लॉन्ग स्कर्ट आउटफिट की पोजेस की वीडियो लेकर आया हूँ, खास तौर से गर्ल्स के लिए। आप देख सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी अच्छी पोजेज हैं जो आप लॉन्ग स्कर्ट के साथ क्लिक करवा सकते हैं। यदि आपको इनमें से कौन सा पोजेज अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस पूरी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपके फ्रेंड कभी भी लॉन्ग स्कर्ट के साथ फोटोशूट करें तो इन पोजेस को वो ट्राई कर सकें। बाकी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए पर डे लेके आता रहता हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि पर डे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँ, ताकि आपको पर डे वीडियो का आइडियाज़ मिल सके कि आप कैसे किन किन तरीकों से फ़ोटोशूट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे पोजेस को मिस कर देंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ के साथ मेरे को ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको आगे कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि टॉपिक का बहुत इशू रहता है और बाकी इन पोजेस को ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। तो यदि आप मेरे को टॉपिक बताएंगे तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। बाकी हमारे चैनल पे आप पर डे वीडियो आती रहती हैं, तो ताकि आपको पर डे वीडियो का आइडियाज़ मिल सके कि कौन कौन से तरीक़ों के साथ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर पोजेस DSLR से क्लिक की गई हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप DSLR से ही पोजेस को क्लिक कराइए, क्योंकि DSLR से आपकी फ़ोटो अट्रैक्टिव बनती है। और एडिटिंग के लिए आप LR या स्नैपस्पीड आपका यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो आपकी फ़ोटो में ग्लो देंगी और आपकी फ़ोटो को अट्रैक्टिव बनाएंगी, चाहे आप DSLR से क्लिक करते हैं चाहे आप मोबाइल से फ़ोटोशूट करते हैं। तो और आपको इस वीडियो में जो भी पोजेस दिखाई गई हैं, इन सब का ऑनर मैं नहीं हूँ, इन सब का क्रेडिट इन ऑनर्स को जाता है। जो मैं ये वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो लेके आता हूँ, ताकि आपको एजुकेशन मिल सके कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके साथ आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि इन पोजेस को ढूंढने में मेहनत लगती है। तो जो टॉपिक मेरे को आप बताएंगे तो उसी आइडियाज़ के ऊपर मैं टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। और जो भी पोजेस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, वो 2023 में जितनी भी ट्रेंडिंग पोजेस हैं उन सब का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। बाकी मैं अभी आपके लिए बहुत छोटी वीडियो लेके आ रहा था, तो अब मैं आपके लिए एक बड़ी वीडियो लेके आता रहता हूँ, ताकि आपकी बड़ी वीडियोस में ज़्यादा आइडियाज़ मिल सके और ज़्यादा लुक आ सके कि आप कैसे फ़ोटोशूट कर सकते हैं। बाकी अभी तक फ़ोटो पोजेस की वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे, तो आने वाले टाइम में आपको लाइव पोजेस का आइडियाज़ भी आएगा कि आप लाइव तरीक़ों से कैसे फ़ोटोशूट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स को वीडियो पसंद आई है वो हाइड पोजेस फॉर गर्ल्स की वीडियो हैं, तो आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद आई है, तो भी उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके जरूर चेक करिएगा और वहाँ से आइडियाज़ लीजिएगा कि आप बिना फेस दिखाए कैसे फ़ोटोशूट कर सकते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको आइडियाज़ भी मिल चुका होगा कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके साथ आप फ़ोटोशूट कर सकते हैं, और जितने भी ट्रेंडिंग पोजेज है आपको ऐसे ही लाइव टू टाइम मिलती रहेंगी। तो गाइज़, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।